हेलो या कंचन जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं रजनी बोल रही हूँ। जी नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार, मैं रेडियो पे अभी आपको ऑन एयर ले रही हूँ। अभी आई हूँ, अभी कल आई हूँ। एक मिनट होल्ड कर। हाँ जी कंचन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं माय रेडियो 580 AM से बोल रही हूँ और ये कनाडा में है। सो आप अभी बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ पर जायजा ले रहे, अपडेट ले रहे हैं कि बिहार की भूमि पर अभी क्या चल रहा है, क्या हालात है। तो थैंक यू सो मच कंचन जी अपना वक्त देने के लिए। सो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और मुद्दे की बात करूंगी कि अभी हो क्या रहा है बिहार की जो इलेक्शन की जो रिजल्ट है उसमें। देखिए, बिहार में पिछले एक डेढ़ महीने से जो चल रहा था, प्रचार चल रहा था, इस बार बिहार में बहुत कुछ नया देखने को मिला। आमतौर पर बिहार में जो वर्ग और जातिवाद की बात होती है उससे ऊपर उठकर इस बार मुद्दों की बात हुई। हर पार्टी ने मुद्दों की बात की, या जो सत्ता पक्ष के लोग थे, जदयू भाजपा का गठबंधन NDA का जो था, उन्होंने अपने पिछले 15 साल में हुए कार्यों को जनता के सामने रखा। दूसरी ओर चूंकि बिहार में बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, अगर आप कनाडा में हैं और वहाँ हमारे हिंदुस्तान के या बिहार के जो भाई रहते होंगे तो उन लोग भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। तो वो एक मुद्दा था। और महागठबंधन जिसमें NDA लालू प्रसाद जी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने इस मुद्दे को बड़े ही सलीके से, कायदे से रखा। उन्होंने एक बड़े सपने भी दिखाए यहाँ के युवाओं के लिए कि 10 लाख रोजगार जब हमारी सरकार आती है तो हम देंगे। और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा इस चुनाव में, जो आपको एग्जिट पोल में भी दिखा होगा। फिलहाल अभी मैं एक काउंटिंग स्टेशन पे हूँ। बक्सर बिहार का एक जिला है, यहाँ से अभी 4 विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग हो रही है, जिसमें से एक में NDA के प्रत्याशी आगे हैं, NDA से भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, और 3 विधानसभा क्षेत्रों में अभी महागठबंधन के जो तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन ये बहुत अभी शुरुआती रुझान है। फिलहाल जो एग्जिट पोल में दिखा था पहले राउंड की मतगणना के बाद वही दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप ऐसे तो पेशे से दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो एक पत्रकार के नजरिए से आपने काफी जो देखा, जो क्या इलेक्शन को लेकर हालात जायजा जो आप एक हैं, आपने देखे कि क्या हालात चल रहे हैं। तो आपको अगर एक जनरल टॉक में बात करूं कि जो जनता की जो रुझान जो कॉमन जो बिहार के जो प्रवासी जो जो इमिग्रेंट लोग आए हैं बाहर के लोग, उनके बारे में अगर कुछ बात करें तो आपको क्या लगता है कि उनके वोट कहाँ गए होंगे? देखिए, जो चूंकि इस कोरोना के समय में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इसमें दो राय नहीं है, वो चाहे कोई भी सरकार होती तो भी इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ उस समय सरकार भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में रही। यहाँ मुख्यमंत्री का एक बयान भी आया कि हम अभी किसी को बाहर से नहीं आने देंगे, और फिर स्थितियाँ बदली, लोग पैदल चलना शुरू हुए, लाखों लाख की संख्या में सड़कों पर लोग उतर आए, तो फिर अपने स्टैंड को बदलना पड़ा लोगों को। तो वो सब जो परिस्थितियाँ रही, निश्चित रूप से उसका असर जो गांव-गांव में लोग गए, अपनी परेशानियों को अपने रिश्तेदारों से उन्होंने बताया, उनके रिश्तेदार जो महसूस किए, तो वो एक गुस्सा था, वो त्वरित गुस्सा था। क्योंकि एक बात तो यहाँ ये भी स्वीकार करना होगा कि इतनी बड़ी आपदा में भी सरकार ने काम भी बेहतर किया, लोगों तक राशन पहुंचा,
या कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि किसी को भूख के कारण मौत की का मामला सामने आया हो। तो ये सब एक सरकार का प्रबंधन रहा, लेकिन वो प्रबंधन कंचन जी, मैं बीच में ही आपको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में ब्रेक का दौर शुरू हो गया। तो ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे बात करूंगी, आप बने रहिए हमारे रेडियो के साथ। बस एक मिनट का ब्रेक है। हेलो जी जी, तो आप अभी वहाँ कहाँ काउंटिंग बूथ पे जी? कौन सी जगह पे? ये बक्सर है, बिहार का शाहबाद प्रक्षेत्र पड़ता है बक्सर। जी। तो अभी क्या है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आया है, नीतीश जी अभी 120 की बढ़त से हैं और तेजस्वी 113 पे हैं। तो अभी ये करंट अपडेट मेरे सिस्टम में दिख रहा है। सो जी नहीं, तो ये जब एग्जिट पोल की बात हुई थी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हेलो हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। एग्जिट पोल एग्जिट पोल में भी बहुत नेक टू नेक फाइट दिखाया गया था अधिकांश एग्जिट पोल में, और ये बहुत मायने नहीं, अगर 2-4% वोट स्विफ्ट होता है इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो स्थितियाँ बदल सकती है। ये जो हालात जो अभी 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं अभी तक के नतीजों पे। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी तो हाँ, नहीं अभी चूंकि इस बार बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है कोरोना गाइडलाइन की वजह से। अच्छा, कोरोना गाइडलाइन की वजह से जिन विधानसभा क्षेत्रों में 250, 240 या 230 बूथ हुआ करते थे, वहाँ इस बार 350 या 370 या उससे भी ज्यादा बूथ हैं। तो यहाँ मतगणना का एक आप ट्रेंड सेटअप जो है वो समझ लीजिए, जो सलीका है कि हर मतगणना केंद्र पे 14-14 टेबल लगाए जाते हैं और हर बार एक एक ईवीएम को लाया जाता है, यानी 14 ईवीएम की। ना आप इतने पत्रकार हैं तो मैं ना, आप तो पूरा इलेक्शन कवर किए होंगे अपने अखबारों में भी, आपने काफी कुछ दिया है, तो आप ना मुझे इसके बारे में बताइए, वोटिंग बिहार में जो है वो लोग किस चीज को मद्देनजर रख के इस बार दिए हैं, क्योंकि जो नए इमिग्रेंट आए हैं वो उनका भी वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, तो आप इसके बारे में बताइए। इमिग्रेंट के साथ यहाँ बहुत बड़ा यूथ का भी मुद्दा था, युवाओं का वोट था, महिलाओं का वोट था, तो इस बार युवाओं का वोट बहुत मुखर रहा है और युवाओं को रोजगार चाहिए, जाहिर सी बात है। अब तो रोजगार की लालच में आप ये बोलना चाहते हैं? हाँ, तो रोजगार को लेके जो एक उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कैबिनेट में पहले दस्तखत से, मैं फिर से आपको ऑन ले रही हूँ, मेरा ब्रेक खत्म हो गया, सो मैं फिर से आपको ऑन। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लिसनर्स का जो अभी हमसे जुड़े हैं। आज दोस्तों मैं बात कर रही हूँ बिहार के इलेक्शन के बारे में कि किस तरह की स्थिति जा रही है, और हमारे साथ बिहार से अभी जुड़ चुके हैं कंचन जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण में, और अभी फिलहाल वो काउंटिंग बूथ पे है, वहां पर वो सारा जो काउंटिंग का जो अपडेट्स है वो ले रहे हैं और हमारे रेडियो के साथ जुड़ चुके हैं। सो कंचन जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो अपडेट्स आए हैं, सो फिलहाल अभी जो नए अपडेट्स आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। नीतीश जी 118 पर है, तेजस्वी 115, पासवान जी 8 और अन्य 2 पे, और आगे के रुझान के बारे में बताएं तो और भी जगह से रुझान आ रहे हैं, दूसरी जगह से उस पर भी डिफरेंट जो है वो रुझान दिख रहे हैं। तो कंचन जी आपसे मैं बात कर रही थी कि जो वोटिंग है इस बार का जो वोट गया है ये कैटेगरी पे बढ़ गया है,
जो आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि इस बार रोजगार को लेकर के और यूथ के वोट काफी इधर उधर गए हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछले 15 साल से यहाँ जदयू का नीतीश कुमार यहाँ शासन कर रहे हैं, तो एक रोजगार को लेके जो रोजगार इंडेक्स में भी आपने देखा होगा कि पूरे भारत में बिहार निचले पायदान पे है, तो एक बड़ा असर यहाँ यूथ पर है इसका। वो खुद को समझते हैं कि इस सरकार में रोजगार को तरजीह नहीं दी गई, या हम लोग को पलायन करना पड़ता है, हम लोग को अपने अपना घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना पड़ता है, कॉलेज की स्थिति है, जो यूथ कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ प्रोफेसर नहीं मिलते हैं, नाम बड़े बड़े हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है, तो इसका एक असर यूथ पर था। लेकिन वो परिलक्षित जब आप देखेंगे कि कैंपेन के दौरान ये परिलक्षित भी हुआ, और तेजस्वी यादव ने इसको बहुत सलीके से, बहुत कायदे से इसको भुनाया है। हर भाषण में उनका, जो आप भाषण देखेंगे तो कहीं भी उनका एक एक दिन में 14-14 सभाएं उन्होंने की, और 5-7 मिनट की उनकी सभा होती थी, उसमें वो सीधे युवाओं से कनेक्ट होते थे, सीधे वो रोजगार की बात करते थे। ऐसा नहीं है अभी आज के डेट में, ये नहीं है कि बिहार की जनता पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। आप अभी भी जो पहले राउंड का ट्रेंड देख रहे होंगे, वैसा नहीं है कि जो NDA का गठबंधन है वो पूरी तरह से सीन से बाहर है, वो सीन में बना हुआ है। उसकी वजह यह कि 15 साल जब आप काम करते हैं तो एक स्वाभाविक तौर पर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति आती है, और सरकार के स्तर पर जो भी है उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आती है, जो सत्ता में होती है। इन लोगों ने बुनाया कि पिछले 15 सालों में जंगल राज की बात की कि जब लालू प्रसाद थे तो 15 साल के दौरान बिहार बहुत बदनाम था, बाहर में बिहार की प्रतिष्ठा नहीं थी, यहाँ के लोग बाहर में बिहारी कहने में खुद को शर्म महसूस करते थे, लेकिन वो पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज जो नया यूथ आया है, जो यहाँ जो वोट, जो वोटरों की संख्या है, उसमें अधिकांश वैसे वोटर हैं जिन्होंने उस जंगल राज को महसूस किया ही नहीं, वो इस 15 साल के शासन को देखा है और उसके बाद वो वोटर बने हैं, तो उनके लिए वो मायने नहीं रखता था कि जंगल राज कैसा था। लेकिन इन्होंने जो सपने दिखाए उसका एक असर हुआ है। दूसरा है, हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत साहसिक फैसले भी किए हैं, जैसे शराबबंदी एक बहुत बड़ा साहसिक फैसला था कि किसी इतने बड़े स्टेट में शराब को बंद कर देना। आज लोग उनके फैसले पर सवाल उठाते हैं कि अगर शराबबंदी हो गई, शराब बंद हो गया, तो भी तो बिहार में शराब उपलब्ध हो जा रहा है। उपलब्ध होना मायने नहीं रखता है, लेकिन आज ये किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई खुलेआम शराब पी के सड़क पर तांडव कर दे या सड़क पर कोई नेशन क्रिएट कर दे। मैं बीच में आपको संजय जी रोकना चाहूंगी, क्योंकि फिर से नए रुझान आए और काफी डिफरेंट आ गए हैं। नीतीश जी काफी आगे दिख रहे हैं, 123, और तेजस्वी 111, और हमारे साथ हमारे स्टेशन हेड भी हैं, तो वो भी आपको अपडेट बताएंगे। तो गुरुशरण जी आप भी अपडेट दीजिए। कंचन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट टू टॉक टू अस दिस मॉर्निंग। बिहार में बहुत बड़ा दिन है, बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, और आपने समय निकाला, थैंक यू वेरी मच। अभी जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, 125 पर जो है वो NDA आगे चल रहा है नीतीश जी, और 109 पर तेजस्वी या महागठबंधन आगे चल रहा है। ये जो अभी चेंज आई है रुझान में, ऑल ऑफ सडन पिछले हाफ एन आवर में, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये बिहार का चुनाव थोड़ा डिफरेंट होता है। बिहार में गढ़ और लहर ये बहुत मायने रखते हैं। यहाँ किसी सेक्शन में, जैसा मैं उस समय बता रहा था आपको कि यहाँ 14-14 EVM की वोटिंग होती है, तो इस बार वो 35 राउंड तक जाएगा। तो हर, अब जैसे एक राउंड का हुआ तो वो एक पॉकेट हुआ जहाँ के आसपास के एक पंचायत के 15-20 गाँव में जो बूथ है उनकी पोलिंग हो रही है। अब उस पंचायत में किस वर्ग के लोग हैं, किस समुदाय के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं,
तो ये भी बहुत कुछ मायने रखता है। तो ये पता चलेगा कि एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरा, लेकिन ओवरऑल ये कहा जाए, मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तेजस्वी यादव नेक टू नेक आज फाइट दे रहे हैं तो ये भी बड़ी उपलब्धि है। सरकार बनना नहीं बनना ये मायने नहीं रखता है, लेकिन दो महीने पहले तक कोई ये सोच नहीं सकता था कि बिहार में ये स्थिति होगी। दो महीने पहले तक बिल्कुल क्लीन स्वीप दिख रहा था और आज वो एक संघर्ष की स्थिति में है, तो ये भी एक बड़ा मायने रखता है। पहले तो जब इलेक्शन की बात शुरू हुई तो कहा जा रहा था कि 2/3 मेजोरिटी होगी जो एनडीए के पास, लेकिन अभी जो काफी सख्त है मुकाबला और तेजस्वी यादव ने सिंगल हैंडली चेंज कर दिया पिछले कुछ ही हफ्तों में, और अभी ही इज वेरी यंग गाई, ओनली 31 years old, वो बहुत बड़ा उसका जो काम है, और बड़े दिग्गज हैं नीतीश कुमार और मोदी साहब जिन्होंने बड़ी रैलियां की हैं, और बहुत सारे जो बहुत सारे उन्होंने लगवाने जो है नी अनाउंसमेंट भी की है कि आपको वैक्सीनेशन मिल जाएगी, आपको जॉब्स मिल जाएगी, आपको बहुत सारा फंडिंग हो जाएगी, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी ही डिड अ वेरी पुट अप अ वेरी गुड फाइट फॉर द एनडीए। नहीं देखिए, ये तेजस्वी यादव को एक बहुत बड़ा विरासत मिला है, वो विरासत उनकी पिता की ओर से मिला है। लालू यादव पर चाहे जो आरोप लगे हो या उन पर चाहे जो भी उनके बारे में आलोचनाएं होती हो, लेकिन एक बड़ा सत्य है कि अपने वर्ग को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और वो वर्ग उनको कभी नहीं छोड़ा है। तो वो जो अभी मैं बक्सर में जब आया तो यहाँ मैं बता दूं, ददन पहलवान संभव है आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जदयू के विधायक हुआ करते थे और उससे पहले वो बिहार के दबंग विधायकों में से एक होते थे। इस साल जदयू ने उनका टिकट काट लिया, दूसरे अंजुम आरा को डुमराव से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उससे मैं ये बताता हूं कि जब लालू यादव वहां 3-3 बार डुमराव में जाके सभा करते थे, उसके बाद भी जो डुमराव के यादव होते थे वो ददन के साथ होते थे, वो उनके लोकल छत्रप हुआ करते थे। लेकिन इस बार ददन का भी लोगों ने साथ छोड़ दिया और अभी दो राउंड की मतगणना यहाँ हम देख रहे हैं, उसमें बहुत कम वोट ददन को मिले और पूरा यादव एक साथ ही नहीं, इस बार हम तेजस्वी को देख रहे हैं, इस बार हम लालू यादव को देख रहे हैं, हम वोट देंगे तो लालू यादव छूट के आ जाएंगे। तो ये जो एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था है तो वो एक विरासत में उनको मिला है। MY समीकरण की हम लोग बात करते हैं, MY समीकरण चाहे जो चुनाव हो, पिछले 25 सालों से बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चाहे वो जो भी चुनाव हो उसमें MY समीकरण बिल्कुल साथ रहा है उनके। और मैं एक बार जब चुनाव में घूम रहा था तो मैं एक चीज देखा कि बिहार में जातियों की बात होती है तो अन्य जातियां चुनाव लड़ रही थी और यादव और मुस्लिम इस बार युद्ध लड़ रहे थे, उनका जो एग्रेशन था वो युद्ध वाला था और उसमें अगर कोई वर्ग जुड़ जाता है तो वो एक प्लस उनको होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित भी हूँ कि 2 महीने के अंदर जो स्थितियां बदली और उनके पीछे केवल तेजस्वी का ही रोल नहीं है, तेजस्वी के पीछे भी यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, जगदानंद सिंह, उन पर लालू यादव ने विश्वास जताया था। जगदानंद सिंह इसी बक्सर से लोकसभा का चुनाव पिछले साल हार गए थे और उसके बाद उनको RJD के अध्यक्ष पद की कमान दी गई। और जो मेरी जानकारी है कि तेजस्वी के पीछे शिवानंद तिवारी या जगदानंद सिंह, इन लोग की एक पूरी टीम काम कर रही थी, जो रोज रात में जब ये कैंपेन के पास वापस लौटते थे तो रात 10 से 11 बजे एक पाठशाला लगती थी जिसमें ये बताया जाता था कि अगले दिन आपको क्या कहना है। और इनका पूरा कैंपेन आप देखेंगे तो इतना साफ सुथरा कैंपेन रहा है, इवन इन्होंने अपने पोस्टर में लालू यादव का की तस्वीर तक नहीं लगाई, इस पर भी सवाल उठे। बिहार में जो RJD का जो कैंपेन पोस्टर था उसमें लालू यादव की तस्वीर भी नहीं थी, मतलब वो याद भी नहीं दिलाना चाहते थे कि वो पिछले 15 साल जब उनका शासन था उस शासन को लोग याद भी कर सके। उन्होंने बिल्कुल नए मुद्दे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी को बुनाया है, सीधी सी बात, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को
अभी तो काफी लंबा दिन चलेगा जी आपका, तो देर तक ये काउंटिंग होने वाली है। अभी तो बहुत शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अभी तक बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अभी तो कभी कुछ सीटें बढ़ जाती हैं एनडीए की, कभी कुछ बढ़ जाती हैं जी। जो जो यूनाइटेड जो जो महागठबंधन है, लेकिन लंबा समाज जो काउंटिंग चलने वाली लगती है जी वहाँ बिहार में। बिल्कुल चलेगा, और इस बार फाइनल रिजल्ट देर शाम तक आ पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपके श्रोताओं को भी बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।